वाराणसी के ऐतिहासिक सारनाथ के धमक स्पूत पे इन दिनों खतरा मंडरा रहा है। सारनाथ की धरती डोल रही है। हालात ये हैं, यहाँ रहने वाले स्थानीय नागरिक भी धरती के अंदर हो रहे इस कंपन से डरे और सहमे हुए हैं। वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में दुनिया भर से सैलानी आते हैं। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। यहाँ का धमेक स्तूप सारनाथ की प्राचीनता का आज भी बोध कराता है, लेकिन इन दिनों भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली अनजाने खतरे को महसूस कर रही है। सोमवार की सुबह से सारनाथ के जापानी मंदिर के करीब धरती के अंदर कंपन शुरू हुई। ये पूरे दिन इलाके के लोगों को महसूस होती रही। 50 मीटर के दायरे में रुक रुक कर झटके महसूस किए गए। एक्सपर्ट्स को ज्यादा शंका गैस के बनने की है। कंपन है, अगर देखा जाए तो केवल 50 मीटर या 70 मीटर के एरिया में ही कन्फाइंड है, तो इतने कम एरिया में भूकंप तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर भूकंप होगा उसके कुछ कारण होंगे, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, तो वो चीज़ें तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं है। लोकल एरिया में जो भी हो सकता है उसके मेनली जो बेसिक कारण हो सकते हैं वो तीन हो सकते हैं। या तो वहाँ पे कोई गैस हो, जैसे कि आपके आगरा सिटी में है या बिहार में भी गंगा बेसिन में आपको ONGC ने 3D सर्वे सेस्मिक सर्वे किए हैं, ठीक है, तो इस बेसिन में जो है बेसिकली ये कारण हो सकता है। धमेक के साथ ही चौखंडी स्तूप भी यहाँ पर है। लोगों को अब ये डर सताने लगा है कि धरती में हो रहे इस कंपन की वजह से ऐतिहासिक धरोहरों को कोई नुकसान न पहुँचे। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई भूकंप का झटका नहीं है, इसकी कई वजहें हो सकती हैं। पानी जो है हमारा वो एक्वीफर में होता है, और जैसे जैसे हम पानी निकालते हैं तो उसमें एक्वीफर का जो प्रेशर हो कम हो जाता है, तो जैसे जैसे कम होगा तो उसके कारण क्या होगा, वो कोलैप्स हो जाएगी उसकी मैट्रिक्स, और जैसे सडन कोलैप्स होगा तो उससे भी जो है भूकंप के झटके लोकल एरिया में मिल जाते हैं। ये भी रिपोर्टेड, वेल रिपोर्टेड है, कई स्टेट्स हैं जैसे ताइवान में भी इस टाइप का जो है कारण जो है मिले हमें, जो लोकल कंपन हुआ है, या फिर गैस रिसाव का, तो मैंने कारण बताई थी। BHU के भूकंप वैज्ञानिक संदीप गुप्ता के मुताबिक धरती के अंदर बन रही गैस से ऐसा संभव है। हालांकि सारनाथ की धरती क्यों डोल रही है इसकी वजह का पता एक्सपर्ट्स की टीम लगा रही है। इसमें भू वैज्ञानिकों के साथ ASI की टीम भी शामिल की गई है। कोई एंशिएंट हिस्ट्री रही हो यहाँ पे कि यहाँ पे डिपोजिशन साइट हो, वेस्ट जो कार्बनिक जो वेस्ट है उसको डिपोजिट किया होगा और विद टाइम जो है वो मीथेन में कन्वर्ट हो गया हो, उसके बाद उसने प्रेशर एग्जर्ट किया और उससे भी लोकल एरिया में जो है कंपन हो सकता है। तो मेनली तीन कारण हो सकते हैं जो संभावनाएं लगती हैं, इसके अलावा भूकंप तो हो ही नहीं सकता। क्या कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है इन झटकों से? नहीं, इस तरह से जो सबसे बड़ा जो बड़ा नुकसान अभी न्यूयॉर्क में या लुका सिटी में बेसिकली लुका माउंटेन्स के आसपास जो ऑब्जर्व किया गया था 5.1 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था इसके कारण, लेकिन यहाँ इतना बड़ा भूकंप आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर कोई ऐसी डैमेज की स्थिति बनती नहीं। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राज चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। सारनाथ में 1904-5 के दौरान खुदाई में अशोक लाट मिली थी। धमेक स्तूप परिसर में तमाम प्राचीन पुरावशेष रखे गए हैं। करीब 8 फीट ऊंचा और इतनी ही गोलाई में बना अशोक लाट ईसा पूर्व 3री सदी का है। बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला धर्मोपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इस वजह से ये बौद्ध अनुयायियों के लिए बेहद खास है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट की माने तो सारनाथ की जो धरती डोल रही है उसके पीछे ये भूकंप की वजह नहीं है, धरती के अंदर बना गैस इसकी एक वजह हो सकती है। हालांकि सच क्या है ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। NBT ऑनलाइन के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल।